Wild Animals of Pakistan. Among the wild animals we are discussing today is marten. मतलब बड़ा खूबसूरत सा दिखने वाला एनिमल है जो बेसिकली कार्निवोरस है। हत्ता के शक्ल से अगर हम इस एनिमल को देखें कंपैरेटिवली छोटे साइज का है मगर इतनी लंबी टेल होती है कि शायद ये लगता है कि ये एनिमल घास खाता होगा या कोई फ्रूट्स खाता होगा बट बाय वर्च्यू ऑफ एवोल्यूशन दिस एनिमल इज अ कार्निवोरस एनिमल। सो इट लिव्स इन द वाइल्ड रॉकी रीजन्स एंड आर अडेप्टेड टू एन आर्बोरियल लाइफ। आर्बोरियल लाइफ दैट मीन्स ये ट्रीज के ऊपर भी चढ़ सकता है, ये बड़ी आसानी से ट्रीज के ऊपर क्लाइंब कर सकता है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एनिमल की वो है इसके ये पॉइंटेड या इनसर्कल्ड जिनको मैंने किया पर्टिकुलर ईयर्स। यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन द टू ईयर्स, दे आर वेरी फार अपार्ट, बड़े दूर दूर हैं। प्लस इसकी जो बॉडी फर है दैट सीम्स टू बी वेरी सॉफ्ट। ईयर्स आर लार्ज पॉइंटेड एंड सेट वाइड अपार्ट। टेल इज बुशी एंड थिक। अभी हम अगली फिगर देखते हैं उसमें यू कैन सी द लेंथ ऑफ द टेल, यू कैन सी द बुशी अपीयरेंस ऑफ द टेल और इसमें बड़े खूबसूरत जो कलर्स हैं वो भी वैरायटी ऑफ स्पीशीज में एग्जिस्ट करते हैं। हियर यू कैन सी द स्पीशीज विच इज कॉल्ड एज स्टोन मार्टन। दिस इज अ वेरी कॉमन स्पीशीज फाउंड इन पाकिस्तान। अब इसमें जो चीज़ देखने वाली है कि इसका सारे की सारी बॉडी एक सॉलिड कलर की है जबकि इसकी नेक का ये जितना पोर्शन है और इसके जो फेस है वो कंपैरेटिवली वाइट कलर का है। जिस तरह अभी हमने बात की थी कि अगर हम इसकी टेल को देखें द लेंथ ऑफ द टेल इज कंपैरेटिवली लार्जर एज कम्पेयर टू द होल बॉडी लेंथ एज कम्पेयर टू द ओवरऑल साइज ऑफ द एनिमल। इसकी टेल ठीक ठाक किस्म की लेंथी होती है, इट्स बुशी एज वेल एज थिक। सो द टू स्पीशीज विच आर वेरी कॉमन इन पाकिस्तान इज स्टोन मार्टन एंड येलो थ्रोटेड मार्टन। नाम क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स येलो थ्रोटेड। इसका मतलब ये है कि इसकी जो गर्दन है उसके पास पास कहीं ना कहीं कोई येलो कलरेशन होंगे या उसके स्किन टोन जरा डिफरेंट कलर की होगी। जो स्टोन मार्टिन्स हैं दे हैव डेंस फर कोट रिच ऑफ लिवर चेस्टनट ह्यू। कलरेशन की एक्चुअली बात हो रही है कि यहाँ पर ब्राउनिश कलर का या जो चेस्टनट के कलर्स हैं वो कलरेशन हमें बहुत ज़्यादा अपीयर हो रही होते हैं। दिस इज द येलो थ्रोटेड मार्टिन। यू कैन सी कि इसकी पूरी की पूरी ये सारा एरिया दिस इज़ येलो इन कलर जबकि अगर आप अगेन इसकी टेल को ख़ास तौर पे देखें ये जब इरेक्टाइल होती है तो बहुत लेंथी इसकी अपेयरेंस है। एट द एंड देर इज अ टफ्ट ऑफ हेयर्स ब्लैक, बड़े बड़ी जेट ब्लैक कलर्स होते हैं जबकि जो इसका माउथ है वो कंपेरेटिवली शॉर्टर इन साइज होता है। सो द येलो थ्रोटेड मार्टिन इज कंसिडरेबली लार्जर इन साइज दैन द स्टोन मार्टिन। द होल ऑफ इट्स चेस्ट थ्रोट एंड लोअर जॉज आर येलोइश इन कलर। General body color is silvery, tail is longer, rhinarium is naked and black. Now, what is a rhinarium? Rhinarium is the area जो nostrils के पास का जो area होता है that is called rhinarium. यानी ये area naked है, properly covered नहीं है और जो इसका color है वो black color का। With reference to the distribution of this marten, particularly अगर हम snow marten species की बात करें तो पाकिस्तान में this is present throughout the mountain ranges of Balochistan and northern area. You can see here, यहाँ पर जो हमने छोटा सा एक black patch, जिसको अब मैंने red से patching show कर दी है, this is present in the mid of the Balochistan. मतलब बहुत यहाँ पर जो mountain ranges हैं, ये वहाँ exist करेगा, या थोड़ा सा पाकिस्तान के northern areas में भी ये martin, खास तौर पे snow martin exist करता है. अगर हम yellow-throated martin की बात करें, so this is found in the हिली एरियाज, पर्टिकुलरली चित्राल है, आज़ाद कश्मीर है या मार्गला हिल्स हैं और ये जितने भी एरियाज हैं दे आर कन्फाइंड, मतलब मोस्टली दे आर कन्फाइंड विद इन द बाउंड्री ऑफ पंजाब। थोड़ा सा एरिया ये के पी के में आ रहा है यानी खैबर पख्तूनख्वा में है। सो इससे यही एक जेस्चर आ रहा है दैट दिस एनिमल इज एक्चुअली खास तौर पर ये जो येलो थ्रोटेड स्पीशीज़ है दिस इज़ द रेजिडेंट ऑफ द हिली एरियाज रादर कूलर एरियाज ऑफ पाकिस्तान।